और व्हाट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एचडी और वेलकम बैक इनटू दिस मैच डे ब्रेकडाउन। बेहतरीन मैचेस हुए कल, कुछ हमने सैटरडे को देखे हैं, उनमें से कुछ मैचेस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के साथ, पिछले 6 मैचेस में अगर तुम देखोगे तो इनकी रिकॉर्ड हैज़न्ट बीन दैट गुड। और पेप गार्डियोला को मैंने इतने ज़्यादा गंदे स्लंप में कभी देखा नहीं हूँ, बहुत लंबा टाइम हो चुका है भाई जब पेप गार्डियोला इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, जहाँ पे उसको रिजल्ट ही ना मिल रहे हो। बट आज का जो गेम था पर्टिकुलरली क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, एक अच्छी कंफर्टेबल 2-0 की विन लग रही थी। इट कुड हैव गॉन डाउन एज इवन 3-0, 4-0 win, but apart from the missed chances, by Pep was rocking us ke match mein. Wasn't a bad game. Main kahunga haan, kuch had tak ek boring game aisa ho raha tha, aankhon ki jhappi pe lag ja rahi thi haramkhor. But towards the end, what we saw was a proper Roy Hodgson game. Matlab ek moment aisa tha jahan pe Pep Guardiola ki team ne jab concede kiya penalty, to Pep Guardiola ka reaction was like, bhai saab, and wahan pe Roy Hodgson bhai hans rahe the. तो मतलब ये ठीक है, फन एंड जोक्स असाइड, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिनके बारे में बात करना है। सो गाइस, बिगिन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो बाय द वे, तो जरूर से कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको इस कंटेंट में कुछ वैल्यू मिल रही होगी, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना अभी के अभी। सो आगे बढ़ते हैं। अब उस काइंड ऑफ थिंकिंग की क्या है कि यहाँ पे एक शुड यू बी वरीड अबाउट पेप गार्डियोला, शुड यू बी वरीड अबाउट मैनचेस्टर सिटी। मुझे पता है थोड़ा सा लाइक अर्ली टाइम्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हमें रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। कितने मैचेस हुए हैं हम यहाँ पे प्रीमियर लीग में, हम देख रहे हैं 17 मैचेस मैनचेस्टर सिटी खेल ली है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीजन इज डन। बट कैन यू रियली से कि मैनचेस्टर सिटी आउट ऑफ द टाइटल रेस हो चुकी है? आई थिंक इट वुड बी वेरी फूलिश ऑफ अस टू से कि भाई सिटी टाइटल रेस से बाहर है, बिकॉज हम सबको पता है भाई मैनचेस्टर सिटी, पेप की सिटी, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में ज़्यादा बेहतर फुटबॉल खेलती है। और ये हमने पिछले साल भी देखा था जब सिटी ने रिवाइटलाइज किया अपना फुटबॉल, जहाँ पे उन्होंने अपनी फॉर्मेशन चेंज की, एक 3-2-4-1 के रूप में उन्होंने स्टोन्स को इन्वर्ट कर दिया, देन दे वर एबल टू शो अप वॉट दे कैन एक्चुअली डू एंड दे वेंट ऑन टू विन द ट्रेबल। तो इस बार इट वुड इट बी टू नाइव ऑफ अस टू गो ऑन एंड क्वेश्चन पेप गार्डियोला? बट पता है क्या, देखो हम ये नहीं किए होते इफ पेप वुड हैव शोन अस समथिंग गुड। आज का मैच आई थॉट इट कुड हैव बीन वन ऑफ दोज गेम्स जहां पे पेप वुड डोमिनेट क्रिस्टल पैलेस। नो ऑफेंस टू क्रिस्टल पैलेस, होम पे एक मैच है, मैनचेस्टर की ऑलमोस्ट एक फर्स्ट टीम खेल रही है, जहां पे रॉड्री है, जहां पे फोर्डन है, ग्रिलिश है, बर्नार्डो सिल्वा है। द ओनली बिग एब्सेंटी आप कह सकते हो वो हालैंड नहीं थे यहां पे। बट आर यू टेलिंग मी कि हालैंड के विदाउट भी दे आर नॉट गोना विन द गेम्स? दे डिड स्कोर 2 goals, ऐसा नहीं है कि गोल स्कोरिंग में इनकी प्रॉब्लम थी, बट वॉट हैपेंड? सो गेम को अगर टैक्टिकली देखा जाए कि इनका सेटअप क्या था, द कन्फ्यूजिंग पार्ट वॉज कि भाई जॉस्को गार्डियोल में और काइल वॉकर में कौन बंदा है जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे विथ देगा। सो मेरा पहला जो थॉट था, थॉट काइल वॉकर इज गोना गो वाइड, और यहाँ पे बैक थ्री में रूबेन दियास, आकी और गार्डियोल खेलेंगे। बट एक्चुअली इसका उल्टा हुआ, वी सॉ गार्डियोल गोइंग आउट ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, और हमने देखा ग्रिलिश इंटीरियर खेल रहा था। एंड कहीं ना कहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बताना मुझे अग्री करते हो कि डिसअग्री करते हो, जैक ग्रिलिश वॉज बेटर, ही वॉज बेटर प्लेइंग इन अ बिट इंटीरियर, ही वॉज गेटिंग ऑन द बॉल अ बिट मोर, अच्छी हाफ स्पेसिस सिचुएशंस में बंदा आ रहा था, गोल भी बंदे ने मारा बाय द वे। बट जब जैक ग्रिलिश आउट वाइड पुश हो जाते हैं ना, तो फिर आई थिंक ग्रिलिश का मे बी, आई वॉन्ट से कि आउटपुट कम हो जाता है, बट या गोल स्कोरिंग एक डायरेक्ट थ्रेट ग्रिलिश का कम होता है। इवन एट एस्टन विला जब मैं उसको देखता था, तो ही यूज टू प्ले आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता था कि जब वो डायगोनल इन जगहों पे होता था पिच के हाफ साइड्स पे, ही यूज टू कट इन साइड एंड यहाँ से ये रन मारता था। तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ग्रिलिश वॉज टू कट इन एंड गो फॉर द गोल इन द हाफ स्पेस। बट सिटी पे उसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग पोजिशन होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, आउट वाइड होती है। अपोजिशन के फाइनल थर्ड्स में आउट वाइड टोटली ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड, और वो नेथन क्लाइन को यहाँ पे ऑक्यूपाई किया होता। बट क्योंकि यहाँ जॉस्को गार्डियोल खेल रहे थे एक विंग बैक के रूप में, हमने गार्डियोल को देखा कि एकदम अप फ्लैंक लेफ्ट हैंड साइड का ऑक्यूपाई करते हुए, जिसकी वजह से ग्रिलिश इंटीरियर खेल लेते। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि आज सिटी वो विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, तो बर्नार्डो सिल्वा राइट हैंड साइड पे विथ दे रहे थे, फिल फोर्डन, ग्रिलिश द नंबर 10, अल्वारेस एज अ स्ट्राइकर। सो जो 3-2-4-1 होता है वो एक्चुअली में 3-2-5 बन गया था, बिकॉज अल्वारेस नेवर एक्ट्स एज अ प्रॉपर स्ट्राइकर, अल्वारेस ड्रॉप करेंगे बिटवीन द लाइंस। नाउ दे डिड स्कोर 2 goals, 2 beautiful goals, ठीक है भाई। वहाँ पे ग्रिलिश वाला गोल बहुत अच्छा उन्होंने मारा था, सेकंड वाला गोल आप कह सकते हो थोड़ा सा स्क्रैपी गोल था, बट देन अगेन इट इज गुड फॉर रिको लुइस। और यहाँ पे आई वुड नॉट अंडरमाइन दिस किड, ये बंदा अभी 18 साल का ही है, बट जब भी खेलता है यू कैन सी कि वाई पेप गार्डियोला लाइक्स हिम सो मच। बट क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिफेंसिव फ्रेल्टीज है, क्या यहाँ पे जॉस्को गार्डियोला इज नॉट अ वेरी गुड डिफेंडर, क्या गार्डियोला की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि डिफेंडिंग? आई थिंक सो नॉट, मे बी पेप गार्डियोला शायद डिफेंसिव साइड ऑफ जॉस्को गार्डियोला ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है, इसलिए आप रादर देन जॉस्को गार्डियोला एंड आकी, आप देखो कि गार्डियोला प्लेज अपर साइड ऑफ द पिच एंड आकी
थर्ड सेंटर बैक खेलते हैं. सो वुड इट बी बेटर, आप बताओ मुझे, हु वुड यू पिक टू प्ले द थर्ड सेंटर बैक? वुड इट बी जोसो गॉर्डियोल और वुड बी नेथन आकी? बिकॉज हमने पिछले साल नेथन आकी को उन पोजिशन में खेलते देखा, उन फाइनल थर्ड एरियाज में से वो पॉल डालते देखा, डिफेंस प्लेटिंग पासिस करते देखा, एंड ही वॉज वेरी गुड ओवर हियर. तो आप बताना मुझे आप किसको प्रीफर करोगे. वैसे मैं करंटली विद द गेम्स दैट हैव गॉन, आई थिंक आई वुड स्टिल प्रीफर जोसो गॉर्डियोल टू गो आउट वाइड. बट देन अगेन, आज यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस ने दिखाया भाई, एक छोटा सा एक नर्वस मोमेंट था टुवर्ड्स द एंड जहाँ पे फिल फोर्डन ने वो पेनल्टी दे दी. आई मीन देखो, किसी के साथ भी हो सकता है. फिल फोर्डन वॉज वॉन्टिंग टू गो फॉर अ बॉल, क्लियर एज डे पेनल्टी थी, पैरों पे टैकल पड़ा. बट देन अगेन, वॉट यू कैन डू अबाउट इट, दैट्स द ओनली थिंग अबाउट सिटी. आई डोंट थिंक सो दे बरी द गेम. टूनल की विन होती है, सॉलिड है, मुझे पता है, बट स्टिल दे हैव टू गो ऑन एंड दे हैव टू फिनिश देयर गेम्स. कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था. मुझे पता है कि क्रिस्टल पैलेस मेजॉरिटी ऑफ द गेम में ना दे वर सेटिंग बैक. अगर आप पोजीशन स्टार्ट भी देखोगे तो लुक एट दैट, दे हैड ओनली 26% ऑफ द पोजीशन, येट दे हैड हायर एक्सजी वैल्यू. सो जो वो चांसेस क्रिएट किए हैं, दे हैड बेटर क्वालिटी दैन मैनचेस्टर सिटी. कंबाइंड चांसेस 5 बिग चांसेस उन्होंने क्रिएट की, जिसमें से उन्होंने 3 बिग चांसेस मिस की. दे हैड 1.61 XG. सो जो लास्ट का 10 मिनट्स का टाइम था जहाँ पे क्रिस्टल पैलेस चढ़ी हुई थी, जहाँ पे उन्होंने सब्सटीट्यूट किया एबरेचे, ऐसे पिच पे आते हैं, वहाँ पे ऐसा लगा भाई क्रिस्टल पैलेस वुड रियली गेट इन टू द गेम. फिर वो पेनल्टी के थ्रू दे मैनेज टू इक्वलाइज, जो कि बहुत लेट में आया. यहाँ पे अगेन पेप गुडला हैज थ्रोन अवे पॉइंट्स. फोर्थ ऑन द टेबल आ चुकी है मैनचेस्टर सिटी. और अगर इनके देखो कि पिछले फिक्चर्स, ये ड्रॉ था आज का, इन्होंने रेड स्टार को हराया, चलो वो बात अलग है. इस मैच में भी काइंड ऑफ दे स्ट्रगल्ड. लूटन टाउन को हराया उन्होंने, एस्टन विला से लॉस ली, स्पर्स के अगेंस्ट ड्रॉ था, फिर दे ड्रू अगेंस्ट लिवरपूल, उससे पहले सिटी के अगेंस्ट ड्रॉ किया, उससे पहले भाई साहब बोर्नमुथ को लास्ट हराया था. तो तब से लेके अब तक दे हैवंट हैड अ वेरी कन्विंसिंग रन ऑफ फॉर्म. एंड अगला गेम जो वो खेलेंगे वो होगा क्लब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जो कि वो खेलने वाले हैं. इफ दे गो टू द फाइनल, दे गोना प्ले द फाइनल एज वेल. एंड देन यहाँ पे they have got Everton, they have got Sheffield. तो आगे आने वाले fixtures थोड़े से इनके easy हैं, but then they have to start on winning. बाकी ये हो गया Manchester City के बारे में. बट आप बताओ मुझे finally, where do you expect City to finish? Is it like too easy for us to call out कि नहीं भाई Pep Guardiola is done, City is done, इस साल वो नहीं कुछ जीत रहे हैं? क्या कह सकते हैं हम लोग ये? I don't think so. But let me know what you think about Manchester City. On the other hand, we have to talk about one other strugglers जो कि lately form pick up कर चुके हैं. यहाँ पे congratulations to Chelsea, by the way. Sheffield को उन्होंने हराया भाई साहब, बड़ी बात है. Actually बड़ी बात है. आज गेम में तुम देखोगे यहाँ पे जो starting point था पिच पे, Gallagher, Caicedo and Palmer खेल रहे थे. Gallagher basically becomes the guy जो कि number 10 के role में खेलते हैं, becomes the third midfield when he's dropping to defend in the central channels. आज Gallagher यहाँ पे double pivot में Caicedo के साथ खेल रहे थे and he had a good game. मैं तो कहूँगा भाई Gallagher अच्छा खेला. Cole Palmer वॉज ऑल्सो वेरी गुड, ही स्कोर द गोल, ही गेव द असिस्ट डेफिनेटली. बट आई थिंक कहीं ना कहीं गेम में मैंने कंट्रोल मिस किया चेल्सी के, एनजो वॉज मिसिंग डेफिनेटली. बट चेल्सी विल हैव टू फाइंड अ वे टू प्ले ऑन द राइट हैंड साइड. अगर दे डोंट हैव रीस जेम्स या मायो गुस्तो नहीं है, डिसासी से नहीं हो रहा है दिसा, इवन दो उसकी रेटिंग अच्छी है मैच में, गाइस डोंट फॉल फॉर दिस. आई डोंट थिंक सो दिसासी से वो हो पा रहा है जो रीस जेम्स और मायो गुस्तो कर पाएंगे. सो आई थिंक पोचेटिनो हैव टू आंसर कि भाई सीन क्या है. और रॉबर्ट सांचेस को इंजरी थी तो पेट्रोविच आते हैं यहाँ पे गोल में. आई थिंक ही डिड अ डिसेंट जॉब. शेफील्ड के अगेंस्ट आई थिंक इन्होंने क्लीन शीट रखी, पहली क्लीन शीट है सिंस अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेल्सी के लिए. ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पॉइंट होगा. बट आई स्टिल बिलीव कि निकलस जैक्सन हैज टू इम्प्रूव. मोड्रिक अगेन वॉजन दैट गुड, एक दो जगह पे इलेक्ट्रीफाइंग लगा मुझे, बट इट वॉज लाइक बट दैट्स दैट. स्टर्लिंग अगेन बॉल किए, बट ये जो मिडफील्ड है यहाँ पे चेल्सी की, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट इन देयर होल टीम. इनकी जो हार्ड वर्किंग मिडफील्ड है, Caicedo, Gallagher, Cole Palmer, इसमें आप एनजो को भी थ्रो इन कर दो. बट सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है अभी Nkunku, वो बेंच पे था, ही कुड नॉट कम ऑन द पिच. थैंकफुली यहाँ पे शेफील्ड को उन्होंने हरा दिया. दे वर स्ट्रगलिंग इन दिस गेम गाइस, बट यहाँ पे चेल्सी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं. आगे आने वाले मैचेस अगर तुम चेल्सी के देखोगे तो दे गोना प्ले द EFL क्वार्टर फाइनल न्यूकासल के अगेंस्ट, जिन्होंने अपना अपना गेम फुलहम से जीता. बाय द वे रेड कार्ड हो गई थी फुलहम, तो दे मैनेज टू विन दैट गेम 3-0. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चेल्सी गोना प्ले देम, इसके बाद वुल्व्स, इसके बाद क्रिस्टल पैलेस, देन लूटन. तो डिसेंट इनफ फिक्चर्स है चेल्सी के, आई थिंक दे गोना गेट सम गुड पॉइंट्स ओवर हियर. टेबल एक बार देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे लिवरपूल टॉप पे, दे गोना प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड. मौत का खेल होने वाला है भाई आज. आर्सेनल भी खेलेगी, एस्टन विला भी खेलेगी. सो स्टिल लॉट टू फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर फिक्चर इन द प्रीमियर लीग. नाउ मूविंग अलॉन्ग टू द इंडियन सुपर लीग. थोड़ा सा यहाँ पे मुंबई और ईस्ट बंगाल का गेम हुआ. ये मैं पूरा देख नहीं पाया, बट देन अगेन जो जितना मैंने देखा उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा मैं. आई थिंक इट इज अ पॉइंट लॉस फॉर मुंबई सिटी. आई थिंक पिछला मैच जो उनका था गोवा के अगेंस्ट, दे वेंट ऑन एंड दे हैड अ 0-0 ड्रॉ. वो मैं कहूंगा ठीक है भाई, गोवा के अगेंस्ट ड्रॉ किया, दैट वाज अ गुड रिजल्ट. 0-0, 1 पॉइंट होम पे गोवा के, फाइन. बट ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट होम पे, विदाउट अंडरमाइनिंग ईस्ट बंगाल, आई वुड से दिस की पॉइंट्स ड्रॉप हुए.
आई एम नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ मुंबई सिटी. बैक टू बैक गेम्स में पीटर का ये सेकंड गेम है जहां पे उसने बैक थ्री फॉर्मेशन खिलाई है. आकाश मिश्रा को लेफ्ट विंग बैक के रोल में खिलाया उसने, आज चेंज करके बिपिन को राइट विंग बैक पे खिलाया था. तो देवर चेंजेस इन द लाइनअप, थोड़ा सा जयेश राणे लेफ्ट विंग पे पोजीशन पे प्रोबेबली स्टार्ट कर रहे थे. देवर शिफ्टिंग इन द गेम, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ फ्लैंक्स का लेटर पार्ट ऑफ द गेम में, बट आई डोंट थिंक सो दे वर एबल टू कंटेन द गेम. आई वुड से क्रेस्पो की अच्छी परफॉर्मेंस थी यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए. महेश ऑल्सो लुक्ड वेरी गुड आज के मैच में, बट इट वॉज लाइक कि कुछ तो स्पार्क लैकिंग था दोनों ही टीमों का. एक बार अगर हम स्टार्ट्स देखेंगे तो वी कुड सी वन थिंग, पूरा कंट्रोल और कंपोजर के साथ सिटी खेली है, हाई नंबर ऑफ पोजिशन, बट आप एक्सपेक्टेड गोल अगर आप देखोगे ना तो यू वुड नॉट बी कन्विंस्ड यार. ईस्ट बंगाल यार 0.18 एक्सपेक्टेड गोल, इंप्रूवमेंट चाहिए भाई, ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे नहीं चलेगा काम. और यहाँ पे भाई पॉइंट्स लॉस्ट है सिटी, मुंबई सिटी विल नॉट बी हैप्पी विद दिस. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे न्यू मैनेजर जिराट ज़ारागोज़ा द फर्स्ट गेम बेंगलुरु के लिए, ऑल दो स्कोरिंग अ गोल थ्रू हैवी हर्नांडेस पेनल्टी, बट स्टिल आई वुड से एक सॉलिड विन है. और भाई स्कॉट कूपर क्या कहते हैं जमशेदपुर के लिए पता है, ही सेज कि भाई यहाँ पे जनवरी जो ट्रांसफर विंडो आने वाला है प्लेयर्स को रेडी होना होगा बिकॉज देर वुड बी सम आउटगोइंग्स. तो जो इस टीम के लिए रेडी नहीं है ही शुड बी रेडी, पैक योर बैग एंड लीव. भाई स्कॉट कूपर ने माइंड ब्लो कर दिया मेरा जब उन्होंने ये बात बोली, मतलब ही इज रियली कॉलिंग आउट द प्लेयर्स की भाई खराब परफॉर्मेंस है भाई, रेडी रहो मैं छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी यहाँ पे. इवन दो दैट वाज नॉट अ गुड गेम, एक बार अगर आप स्टार्स देखोगे तो काफी पोजीशन इक्वल था, बट बेंगलुरु के पास एक हायर एक्सी थे, दे हैड 14 शॉट्स आज के मैच में, वन मोर देन जमशेदपुर, बट स्टिल दे मैनेज टू स्कोर देयर चांस. और एक बार अगर टेबल पे देखा जाए तो गोवा ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल पे है, केरला 10 मैचेस खेल के सेम पॉइंट्स पे हैं गोवा के साथ. मोहन बगान भाई 7 में 6 विन है, एक ड्रॉ है, 19 पॉइंट्स पे हैं, यहाँ पे मोहन बगान इज डूइंग वेरी गुड. बाकी मुंबई 8th पे है, ओडिशा इज डूइंग वेरी गुड, वन ऑफ माई डार्क हॉर्स है इस सीजन की, दे आर 5th ऑन द टेबल. एंड बाकी टीम्स को आप देख सकते हो, हैदराबाद का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है. एंड गाइस दैट्स दैट फॉर द ISL, बट कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट आ क्लब. काफी लोग यहां पे जाना चाह रहे होंगे व्हाट हैपेंड इन वेलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बस रिजल्ट्स दिखा दूं, वेलेंसिया का 1-1 ड्रॉ हुआ, एसेविया का हेताफे से 3-0 की लॉस थी होम पे. और ये गेम ऐसा था जहां पे डिएगो अलोंसो को सैक मिला बिकॉज ही इज अ गाय जिसने भाई अभी तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं लिए हैं. आई डू नॉट नो कि भाई मेंडलीबार को सैक करने का डिसीजन सही था कि गलत था, अभी ये रिजल्ट की बात तो मैं तो कहूंगा भाई गलत डिसीजन था बाय द वे. बट यार डिएगो अलोंसो ही इज नॉट अ बैड मैनेजर, आई थिंक ही जस्ट केम इन टू द टीम एट अ बैड टाइम. बट या मैन जेटाफे ने भाई यहाँ पे इनको बरी किया है, 3-0 की सॉलिड विन थी. मेसन ग्रीनवुड ने गोल भी मारा, असिस्ट भी किया, आई एम सो हैप्पी फॉर ग्रीनवुड. और भाई डिएगो अलोंसो को सैक मिला. आई डोंट नो हु इज गोना बी द मैनेजर, बट सिनेरियो अच्छा नहीं. आप देख सकते हो कि कहाँ पे है सेविया, 16th ऑन द टेबल है, 13 पॉइंट्स के साथ है, जस्ट इक्विवेलेंट टू द टीम ऑफ कादिस, 18th ऑन द टेबल, दैट्स नॉट गुड. बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे बार्सिलोना, भाई आज बार्सा ने भाई एक मैच जो उनके पास एडवांटेज था उन्होंने खेला. 17th मैच डे यहाँ पे मैड्रिड खेलेगी, जिरोना खेलेगी, एथलेटिको मैड्रिड कल खेली है, कल अपना गेम वो एथलेटिक क्लब बिलबाओ से हारे हैं, बट बार्सा ने एडवांटेज नहीं उठाया. सो व्हाट हैपेंड विद बार्सिलोना, यहाँ पे हम कुछ मिनट्स देंगे, वी विल ट्राई टू एनालाइज. गाइस एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपसे मैं पॉइंट ब्लैंक पूछूं आज के मैच में आप ज्यादा डिसअपॉइंटेड किससे हो, जावी से या प्लेयर्स से? यू हैव टू आंसर, यू गॉट योर 5 seconds, डू आंसर. किससे ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड हो आज के मैच में? इज इट जावी हर्नांडिस कि वो गेम रन नहीं कर पाया, टाइमली सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, मार्क गुज्जू को नहीं खिलाया उसने, हरामखोर कसाडो को नहीं खिलाया उसने, या लाइनअप में हक दिया उसने, और एल्स इट इज द प्लेयर्स लाइक दे डिड क्रिएट 5 chances बट बरी नहीं कर पाए. जावी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि शायद यूरोप में दे वुड बी द वर्स्ट टीम्स व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग, एंड ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड. वो जाके बाल्डे को डिफेंड करते हैं, ऑब्वियसली भाई एक 19 साल के बंदे को तुम यू वॉन्ट थ्रो हिम अंडर द बस, तुम उसको सेव ही करोगे यार, ही स्टिल अ यंग किड. बट कम ऑन मैन, यू हैव टू बी डन विथ बाल्डे, यू हैव टू बी डन विथ हिम. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि भाई फेंक दो घर से, बेदखल करने की प्रतिक्रिया चालू कर दो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट कम ऑन मैन, यू गॉट गिव दैट गाय अ ब्रेक. इनिया की पेनिया मैन आज आपको बचाया है, यू कुड हैव लॉस्ट दिस गेम. इनिया की पेनिया मेड सम ब्रिलियंट सेव्स. हमारा जो आई वुड से इतना फ्रस्ट्रेटिंग टाइम चल रहा है ना यहाँ पे, मैं तुम्हें पहले टैक्टिक्स समझाता हूँ, अप्रोच क्या था. सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वी प्लेड विद कैंसिलो, वी प्लेड विद बाल्डे, जब भी ये दो अटैकिंग फुल बैक्स हमारी टीम में खेलते हैं हम हगते हैं. आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट इज़, क्या वो जर्सी है हमारी, वो सेनियरा किट, और इट समथिंग एल्स, आई डू नॉट नो क्या है एग्जैक्टली. बट ये दो फुल बैक्स के साथ खेलने का रीज़न क्या है जावी,
मुझे बता दे यार, तू बैक थ्री को डिच करता है, स्टेबिलिटी तुम्हारी जाती है, तुम्हें मिड मिडफील्ड में सुपीरियरिटी तुम्हारी जाती है, मिड में कौन बचता है भाई हमारे? आज गुंडोगन कहाँ खेला है? गुंडोगन डिड नॉट स्टार्ट डीप एंड अच्छा रहा हमारे लिए, एंड वी गॉट टू सी व्हाट गुंडोगन कैन डू। बेहतरीन था गुंडोगन, तो ही प्लेड इन द राइट हाफ स्पेस। अब सीन क्या था, बिल्डअप के टाइम पे कैंसेलो राइट हैंड साइड मिडफील्ड बन के खेल रहे थे, वी हैड बाल्डे पुशिंग अप एज अ विंगर, और रोहो और कुंडे स्प्लिट कर जा रहे थे, एंड उसके बीच में टक इन कर रहे थे डी योंग, ही यूज टू बिकम द थर्ड बैक। थ्री और जो थ्री मिड की हो रही थी उसमें कौन था, वी हैड पेड्री हु वॉज द डीपेस्ट प्लेयर जस्ट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंकी डी योंग, वी हैड कैंसेलो हु वॉज जस्ट अहेड ऑफ रोहो इन दैट राइट हैंड साइड वाला स्पेस, गुंडोगन ऊपर टक इन किए हुए थे, सो प्रोबेबली इट बिकेम 3-2 विद पेड्री एंड कैंसेलो, एंड ऊपर वी हैड फाइव प्लेयर्स, वी हैड रफीनिया आउट ऑन द वाइड, वी हैड गुंडोगन इंटीरियर ऑफ हिम, वी हैड लेवांडोस्की एज अ स्ट्राइकर, फिलिक्स इंटीरियर थे, बाल्डे अप टॉप थे। सो अब जब आप 3-2-5 खेलोगे अगेंस्ट अ 4-4-2, तो गाइस 4v2 मिड में तो बनेगा ही बनेगा, तो ये तो प्योर मैथमेटिक्स है, तो तुम किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को पूछे को कहेगा 4 बड़ा है या 2 बड़ा है सर जी, कहेगा 4 बड़ा है काके, तो कम ऑन मैन। अगर जावी को सुपीरियरिटी नहीं चाहिए तो व्हाट वाज ही बैंकिंग ऑन टुडे, गेस व्हाट ही वाज बैंकिंग, ही वाज बैंकिंग ऑन डायरेक्टनेस। देर आर गेम्स जहां पे जावी ने अपने कंट्रोल को डिच करके ही हैज एम्ब्रेस द खेओस। आज मेरे ओपिनियन में जब मैंने गेम को दोबारा देखा ना, काइंड ऑफ सॉ व्हाट द प्लेयर्स वर ट्राइंग टू डू, आपने देखा दे वर डिचिंग कंपोजर, दे वर डिचिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू गुड डायरेक्ट, दे वांटेड टू प्रूव, दे वांटेड टू डू समथिंग दैट दे हैवंट डन इन द पास्ट 2-3 गेम्स, एंड उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखो मुझे पता है आई एम अ बिग फैन ऑफ अ पोजिशन बेस्ड फुटबॉल, मुझे कंपोजर कंट्रोल चाहिए, बट व्हेन आई सी माय टीम ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, व्हेन आई सी देम टेकिंग सम रिस्क्स, कुछ एंथुजियास्टिक पास वो करते हैं, कुछ माइंड बॉगलिंग वो थ्रू बॉल्स डालते हैं, लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं, डिफेंस के पीछे बॉल डालते हैं, एंड रिमेंबर भाई लोग, ये डिफेंस के पीछे बॉल डालने वाली बात हमने कितने बार करी है कि नहीं करी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, यू हैव सेड इट, आई हैव सेड इट एज वेल, कि भाई डिफेंस के पीछे जब हमारा प्लेयर रन डाले बॉल फेंको, तो आज ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज यहाँ पर रफीनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो राइट हैंड साइड से मेसी वाला रोल करेंगे, ही विल कट इनसाइड थोड़ा सा अपने लेफ्ट फुट पे, एंड ही विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चैनल, बॉल डालेंगे फॉर बाल्डे, फॉर फेलिक्स, फॉर लेवांडोस्की, जो भी रन डालेगा वो भले ही गुंडोगन हो, आपको उसके लिए बॉल डालनी है। सो हमारा गेम आज थोड़ा सा विद द सैक्रीफाइस ऑफ अ बिट ऑफ अ कंट्रोल, इट बैंक्ड ऑन डायरेक्टनेस, क्योंकि हम सुपीरियरिटी नहीं मेंटेन कर रहे थे मिड में, वी कुडंट हैव केप्ट दी बॉल। और यहाँ पे यू हैव टू अप्रिशिएट पेपेलू, यू हैव टू अप्रिशिएट ह्यूगो गियोमोन, बहुत ही रोबस्ट इन्होंने भाई मिडफील्ड में मार्किंग की थी, जो बाकी के जो दो इनके जो विंगर्स हैं फ्रान पेरेस और डिएगो लोपेज, ये 21 साल के प्लेयर्स हैं गाइस, और ये दे प्लेड द हार्ट्स आउट, इट डजंट इवन फील फॉर अ सिंगल मोमेंट दैट दे वर इन इफेक्टिव इन द गेम, आई वुड टेक देम इन माई टीम इन अ हार्ट बीट, I would take them each and every one of them, these two guys along with Pepe Lu and Hugo Guillamon in my team in a heartbeat literally like that. On the other hand, Rafinha had a magical game aaj, behtareen football khela, kyun uska work rate tha, he showed intent, usne track back karke Cancelo ke sath kitne baar defending karne mein help ki hai, Diego Lopez chade hue the, Vasquez chade hue the, I think Cancelo akele padte unke against, so he would have been beaten. तो यहाँ पे कैंसेलो के साथ 2v1 ना बने, रफीना यूज़ टू ट्रैक बैक एंड उसको डिफेंडिंग करने में हेल्प कर रहा था, सो आई एम हैप्पी विद दैट, बट रफीना मेरे भाई चिल द एफ आउट ब्रो, अगर तेरे को एक क्लच मोमेंट पे चांस मिलता है टू विन द गेम एंड यू आर हैविंग अ गुड गेम, जहाँ पे तेरा कॉन्फिडेंस ऑन द हाई है, इफ यू डू दैट थ्रो अवे योर ब्राजीलियन पासपोर्ट, यू आर नॉट अ ब्राजीलियन, यू कैन नॉट गो ऑन एंड मिस दैट चांस। आई एम हेटिंग माई सेल्फ फॉर जजिंग अ गाय for missing an opportunity, but come on bhai, that is such a big opportunity that will win you a game, and ye to Valencia ke against hamara ek La Liga ka game hai, what if this was a knockout game aur hum yahan pe 2-1 haar ke match loss kar rahe hote, what then bhai, yahan pe you would be kicking this guy, तो ये सिनेरियो है यार, आई एम हेटिंग माई सेल्फ फॉर जजिंग दिस। मुझे नहीं अच्छा लगता है जब मैं एक स्ट्राइकर को उसके गोल्स से जज करता हूँ। आई थिंक इवन लेवांडोस्की का गेम आज का अच्छा था, आई लाइक दिस गेम, ही डिड नॉट स्कोर अ गोल बट आई लाइक द वे ही प्लेड आज, मुझे अच्छा लगा उसका इन्वॉल्वमेंट, मुझे अच्छी लगी उसकी मेच्योरिटी, मुझे अच्छी लगी उसकी शार्पनेस, ही वॉज इन फॉर इट, ही वॉज लिंकिंग अप द प्ले, ही वॉज आस्किंग द बॉल्स, ही वॉज मेकिंग दोज रन्स इन बिहाइंड, एंड गुंडोगन ने उसको जो फाइंड किया विद द क्रॉसफील्ड बॉल एंड ही वेंट फॉर दैट स्कॉर्पियन किक, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा इसका रन, इवन फेलिक्स की मूवमेंट्स मुझे अच्छे लगे आज, बाल्डे वॉज शिट, shittier than shit आज। एक दो और पॉइंटर्स यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो अरहो अपने बेस्ट फॉर्म पे है, आई थिंक उसको इंजरी है जो इम्पैक्ट करी है, आई थिंक ही इज बीटन ईजली इन बैटल्स, ठीक है दैट असाइड वो किनारे रखते हैं, आई थिंक ही कैन रिकवर। कुंडे इज स्क्वाट मैन, कुंडे वॉज डाउन राइट बैड आज के मैच में, मतलब आई कैन नेवर गो ऑन टू इमेजिन
एक ह्यूगो दोरो, एक एवरेज स्ट्राइकर वुड गो ऑन एंड ट्रबल कुंडे इतना ज्यादा शोल्डर चार्ज पे, आप शोल्डर मार्जिन पे आप कुंडे के साथ बॉल विन कर रहे हो। कम ऑन मैन कुंडू, यू गॉट टू डू बेटर देन दिस। आज के मैच में द प्लेयर हु वाज गिविंग इज एवरीथिंग फ्रेंकी। मतलब अगर मैं लेटली बार्सिलोना का मैच देखता हूँ ना, तो इट इज ओनली बिकॉज आई लव टू सी फ्रेंकी डी योंग। और वो अगले मैच में अल्मीरिया के अगेंस्ट भी साला येलो कार्ड ले लिया, ही वुड नॉट प्ले। क्या रीजन है, कैसे हम अल्मीरिया के अगेंस्ट देखेंगे अपनी टीम को खेलते हुए? भाई लोग, दिस वॉज अ पॉइंट थ्रो, हमने पॉइंट यहाँ पे फेंका है, वी शुड हैव स्कोर्ड 4 गोल। कैंसेलो ने पोस्ट मैच में क्या कहा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, हमने पॉइंट थ्रो किए, हमें 4 गोल आज मारने थे, 4 गोल मारने थे। हमारे प्लेयर्स के टचेस को क्या हुआ, कभी क्या ग्राउंड में दिक्कत है क्या, पानी शानी नहीं डालते हो क्या, कुछ दिक्कत है, बॉल ज़्यादा बाउंस कर रही है, पैरों के टच कैसे नहीं आ रहे, हराम को। तुम बार्सिलोना हो यार, तुम्हारा तो पहला एम होना चाहिए टेक्निकल सुपरियॉरिटी। कहाँ है यार वो रफीना के टचेस, लेवा के टचेस, फेलिक्स गुंडोगन, पेड्री के टचेस आज के मैच में थे, वो वेरी वेरी अस्ट्रे। स्टिल भाई पेड्री आउट से ग्रेट गेम फ्रॉम पेड्री, भाई बंदा माजिक है। आज डीप एरिया से इसको खेलना पड़ा, ही इज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन दोज पोजीशंस बाय द वे, बट आज बंदे ने अच्छा खेला। आई थिंक बेस्ट प्लेयर आज फ्रेंकी डी योंग, बट स्टिल भाई पॉइंट्स थ्रोन अवे हैं यार। यहाँ पे वी आर सो फार अवे, आई थिंक हमारा जो ये लालीगा का ड्रीम है ना, वी हैव टू गिव इट अप, आई डोंट थिंक सो वी कैन अचीव दैट। और चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 जो भी टीम मिलेगी ना, इफ यू गोना गो एंड प्ले लाइक दिस, दे गोना थ्रैश यू। द थिंग इज कि यू कॉन्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से आई कैन ट्रस्ट माई अटैकिंग 11, मैं नहीं कह सकता। विथ रॉके आने के बाद क्या होगा, विल वी बी स्कोरिंग दोज गोल्स, होपफुली यार, प्लीज होपफुली। सो गाइज दैट्स दैट अभी के लिए। तो मैच डे ब्रेकडाउन इतना सा, आई होप आप लोग को अच्छा लगा मेरा एनालिसिस, एंड अगर लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, एवरी लाइक हेल्प अस लॉट यार, सो थैंक यू सो मच यार। विस्केल बारसा हराम खोर, विल ट्राई टू डू बेटर, मिलते हैं एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।